तो बयान के बाद एक जवान मेरे पास आया। अब वो तो इंग्लिश में बोलते ना, युवा आया मेरे पास। इंग्लिश समझ के आप लोग? अरे हाँ या नहीं? हाँ। वो मेरे पास आया, मुझको धीरे से कहने लगा कि मौलाना आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क यू, यानी मेरे को आपको एक मैं थोड़ा तो घबराया। वो शुरू ज़माना था हमारा। मैंने कहा भाई क्या सवाल पूछना है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई मुफ्ती साहब तेरे को जवाब दे देंगे। तो मुझे कहता नहीं मौलाना, आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑन योर सब्जेक्ट, ऑन योर टॉपिक। यानी सात दिन से आप जन्नत 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 का बयान कर रहे हो, इसी पर मुझे सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछ ले भाई, वैसे जन्नत इतनी बड़ी है कि कोई सवाल का जवाब मेरे को भी नहीं आता होगा। तो मुझे कहने लगा मौलाना आई सिंपल क्वेश्चन, यानी आसान है। मैंने कहा पूछ ले। तो मुझे धीरे से कान में कहता है माई वाइफ विल गो इन जन्नत। समझे समझे, माई वाइफ विल एंटर इन पैराडाइज, यानी मेरी बीवी जन्नत में। मैं थोड़ी देर के लिए उसका चेहरा देखा, उस वक्त मेरी भी नई नई शादी हुई थी। मैंने थोड़ी देर उसका चेहरा देखा, फिर मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मैंने कहा भाई जाएंगे, हमारी बीवी भी जन्नत में जाएंगी। हम कलमा पढ़ के जन्नत में जाएंगे तो हमारी बीवियों ने भी कलमा पढ़ा है, वो भी जन्नत में जाएगी। बस मैंने इतना कहा ना जन्नत में जाएगी बीवी, इतना गुस्से में पीछे गया और जाकर मुझे कहता है आई डोंट वॉन्ट टू गो इन जन्नत। आपकी भी शादी हुई है? नहीं, यू यू करने लगा, मैं समझ गया हालत खराब है। गुस्से में मुझे कहने लगा आई डोंट वॉन्ट टू गो इन